क्या जल मिल करते क्या करिए सो अगर मरता है क्या हमेशा खुश रहे हंसते मुस्कुराते रहे और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहे। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक मेहमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ भाई। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान हैज नो मनी टू मेंटेन F-16 बैगिंग बोल ओनली ऑप्शन मेजर गौरव आर्या विद मेजर नीरज। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना भी अनुभव देंगे। कौन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, 1980 के दशक की बात है जब अफगानिस्तान के अंदर रूसी फौजें थी, यूएसएसआर की फौजें अफगानिस्तान के अंदर थी 79 और 89 के बीच में। तो मैं बात कर रहा हूं 80 के दशक की। अच्छा 80 के दशक में क्या हुआ कि ये अमेरिका के बड़े सगे बन गए थे पाकिस्तानी। ये अमेरिका से पैसे लेते थे और अमेरिका का सारा गंदा काम पाकिस्तानियों ने करना था। बेसिकली मर्सनरी आर्मी है ये, तो जो इनके मुंह पे पैसा, जो एक रोटी एक बोटी मारे वो उसके पीछे दुमे लाते हैं लोग। तो इन लोगों ने पूरे मदरसे खोले, ये खोले, खूब पैसे अरबों डॉलर लिए अमेरिका से और अपने मुल्क का बेड़ा गर्क जो पहले था उससे और मजीद बेड़ा गर्क कर दिया और ज्यादा बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। और इन्होंने आतंकवादी और सब कुछ इन्होंने पैदा करे। ठीक है, एक और चीज अमरीका ने इनको दी, अमरीका ने इनके सर को पुचकारा, बोला टॉमी वेरी गुड टॉमी। टॉमी ने अपनी पूंछ लाई, अमेरिका ने बोला जाओ हम तुम्हें F-16 देते हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि हमने F-16 खरीदे खुरीदे कुछ नहीं। ये बेसिकली ये था कि यूएस असिस्टेंस देता था, ठीक है, फॉरेन सेल करके, पर वो फॉरेन सेल का क्या चक्कर होता था, अमेरिका आपको पैसे देगा, बोलेगा हम इतने F-16 दे रहे हैं और वापस वही पैसा अमेरिकन कंपनी को चला जाता था, अमेरिकन कंपनी इनको F-16 दे देती थी। 1980 के दशक की बात है। अब भाई साहब उन F-16 को अब हो गए 40 साल से ज्यादा, अब वो हल्के हल्के चरमराना शुरू हो गए और वो मांग रहे हैं मेंटेनेंस। लेकिन पाकिस्तान में चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए साहब, ये रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से F-16 फाइटर जेट जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के वो धम्म से नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि फाइटर जेट्स आर वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव टू बाय एंड टू मेंटेन। आसान नहीं है भाई ये, बिल्कुल ये शेर पालने वाली बात होती है। फाइटर एयरक्राफ्ट पालना मतलब शेर पालना, हजारों डॉलर एक फ्लाइट में, जो प्रैक्टिस की फ्लाइट होती है ना उसमें हजारों डॉलर चले जाते हैं एक फ्लाइट में। अब आप समझो इतने एयरफोर्स जेट सॉर्टी कर रहे हैं सवेरे रात को, यू कैन इमेजिन। अब इनका देखो, द मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री, एक है फैक्ट्री का नाम MRF बोलते हैं, मिराज वो वाला MRF नहीं, हमारा वाला इनका अलग है पाकिस्तानियों का गंदा सा। तो मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री है, इसने बोला है कि साहब डायरेक्टरेट ऑफ लॉजिस्टिक्स ऑफ द पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, इन्होंने बोला है कि साहब F-16 एयरक्राफ्ट हैं जो इनके मेन लड़ाकू विमान है पाकिस्तान की, एक तो F-16 है जो उड़ नहीं पा रहा और एक JF-17 थंडर था इनका, JF-17 थंडर वो वैसे भी नहीं उड़ पा रहा था, वो चाइनीज माल है तो उसका कुछ नहीं पता, उड़ेगा तो लैंड करेगा नहीं लड़ेगा, करेगा और अगर लैंड करेगा दोबारा उड़ेगा नहीं, नोबडी नोज, वो चाइनीज माल है, चाइनीज खुद उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, तो पाकिस्तानियों को बोल दिया लो गरीबों तुम खेलो इससे, एयरफोर्स खेलो इससे। तो अब इनका हो गया बेड़ा गर्क। ये पेमेंट कितनी मांग रहे हैं, ये पेमेंट मांग रहे हैं इसको करने के लिए कि भाई $682,000। भाई साहब ये $1 million आपका हुआ करीब 8 करोड़ 30 लाख, मोटा मोटी 8 करोड़ 20, 8 करोड़ 30, $1 million, यानी कि पाकिस्तान को लगभग चाहिए $5 करोड़, पांच साढ़े पांच करोड़ इंडियन रुपीस। मैं मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, कुछ $10,000-20,000 दाएं बाएं हो सकता है इसमें, मैं एक्यूरेट नहीं है मेरा मामला इसमें, लेकिन इनको चाहिए 682,000, तो आप ये लगा लो कि 7 करोड़ पकड़ लो, 7-7.5 करोड़ पकड़ लो और क्या है, 83 पे तो $1 हो जाता ना पूरा, 83 रुपीज पे $1 हो जाता आपका, तो आप पकड़ लो 7 करोड़ भी पकड़ लो मोटा मोटी। इनके पास 7 करोड़ इंडियन नहीं है और ये कह रहे हैं कि हमें यूएस फॉरेन मिलिट्री सेल्स FMS प्रोग्राम को हमने $682,000 देने। पाकिस्तान ये कह रहा है कि कहां से दें, इनके मंत्रियों के अलल्ले तलल्लों के लिए इनके पास पैसे हैं, ठीक है जी। अब ये गए थे वो जो ईरान का नया प्रेसिडेंट बना है, 20-25 लोगों का डेलीगेशन गया फ्लाइट पकड़ के तेहरान, उसकी स्वेरिंग इन सेरेमनी, तुम्हारा क्या लेना देना यार,
तुम्हारा क्या लेना देना, मतलब मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। फिर ये कहेंगे कि इंडिया हमसे जलता है और हम लोग बड़ी तरक्की कर रहे हैं और इस्लामी मुल्क हैं, कलमा पढ़ के बने, और वो सब छोड़ो यार। साफ सीधी एक बात बताओ कि हुआ क्या है मैटर तुम लोगों का। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास F-16 को उड़ते रहने के लिए यू डोंट हैव मनी, उसका मेंटेनेंस के लिए $682,000 देने, जो कि ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, 7.75 करोड़ पकड़ लो मोटा मोटी। तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी होंगे 21-22-23 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, वो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास पूरा ईरान भेजो, अच्छा ईरान में कुछ हो जाता है तो ये चले जाते हैं, सऊदी अरब में किसी का कोई पता नहीं कुछ हो गया, कोई प्रिंस का कोई बर्थडे हो गया, ये लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं, कभी UAE चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं। इतना ट्रैवल क्यों करते हैं पाकिस्तानी? और ये पाकिस्तानी कौम इतनी बेहिस हो गई है, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी कौम कभी इनसे नहीं पूछती कि पागल के बच्चों तुम लोग हर रोज प्लेन लेके तुम लेकर क्या आते हो वापस पाकिस्तान? यार मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों से पूछ रहा हूं, आप लोग पूछते नहीं सवाल जवाब इनसे? डोंट यू आस्क योर पॉलिटिशियंस। जैसे यहां पे हमें पता है, हमें यह पता है कि अगर मोदी जी जाते हैं कहीं पे, इतने अरब की डील लेकर आ रहे हैं, भारत में इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इतनी फैक्ट्रियां खुल रही हैं, क्योंकि यहां पे वो सवाल पूछे जाते हैं, दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड। आपके यहां कोई सवाल नहीं पूछता, आपके यहां जब मन चाह प्लेन उठाया, शहबाज शरीफ ने बोला आओ 50-100 लोगों को लेकर, अमेरिका में रह रहे हैं 7-7 दिन, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या अपनी ऐसी तैसी फिरवा रहे हैं। लंदन जाते हैं तो 10 दिन से पहले आते नहीं, लंदन जाते हैं 10 दिन से पहले नहीं आते ये लोग, काम इनका 2 घंटे का है, वो भी मजबूरी वाला, 10 दिन रहेंगे क्यों? इससे बढ़िया तो इंडिया का चलना मोदी जी की सिंपल सी बात है, मीटिंग है सवेरे, उन्होंने इस समय की मीटिंग बोली कि हाँ ठीक है इस समय की मीटिंग है, वो आते हैं, वो जहाज में ही नहा धो के कपड़े वपड़े बदल के बाल बना के वहीं पर अपना हेलो हेलो जिसको बोला, गले मिले, हाथ वहीं पर साइन वाइन करा और वहीं पर जहाज में वापस गए, जहाज वापस उड़ गया। कई देशों का तो दौरा ऐसा होता है मोदी जी का जहां पर रात को रुकते ही नहीं, वो रात को रुकते ही नहीं, पायलट उसके अंदर फालतू चलते हैं, 2 पायलट चला रहे हैं जहाज को, 2 थक गए, दूसरे 2 आओ, ये सो रहे हैं, जहाज चलता रहता, उड़ता रहता, वापस गए वापस आ गए, कोई होटल वोटल का चक्कर ही नहीं, कोई वहां पर रह के क्यों समय बर्बाद करना हर जगह। अभी मैं बता रहा हूं, अभी इस्माइल हानिया मर गए, ये पाकिस्तान डेलीगेशन भेज देगा नमाज जनाजा में, मैं आपको बता रहा हूं, इतने फालतू लोग हैं, इतने फारे गए ये लोग। अब क्या हुआ कि इनकी 9/11 के बाद काउंटर टेररिज्म पार्टनरशिप हुई अमेरिका के साथ, तो अमेरिका और इनसे दयावान हो गया। पहले जब ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे तो अमेरिका ने अपने आंख बंद कर दिए कि ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सोवियत रूस के खिलाफ हमारी मदद कर रहे हैं अफगानिस्तान में। फिर 9/11 के बाद इनकी जरूरत पड़ी। अब क्या हुआ है कि अमेरिका की जो नजर है वो पाकिस्तान से हट गई। क्यों हट गई साहब? वो इसलिए हट गई है कि अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया। अब वो पाकिस्तान से कहता है कि तुम पैसे ले लो, ठीक है जी, तुम पैसे ले लो, और तुम जो हम काम कहते हैं, हम ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप करेंगे, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, तुम वो कर देना। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इनको $450 मिलियन मिले थे अभी 1.5 साल पहले, एडिटर साहब जरा वो दिखाओ, इनको $450 मिलियन मिले थे इन्हीं F-16 के चलते कि इसका मेंटेनेंस करवा लो। $450 मिलियन कहां गए किसी के बाप को नहीं पता, कौन गड़क गया, डकार नहीं मारी इन लोगों ने भाई साहब, डकार नहीं मारी इन लोगों ने, ठीक है, इन्होंने डकार तक नहीं मारी। आज की तारीख में $450 मिलियन इनके पास $680,000 नहीं है, ये पैसा गया कहां पे यार? ये कौन खा गया पैसा? कौन से जर्नल ने DHA का कॉर्नर प्लॉट ले लिया? किसने एवन फील्ड में अपार्टमेंट बना लिए? ये पैसा गया कहां पे? 24-25 करोड़ का मुल्क है, ठीक है जी, $14-15 अरब का आपका डिफेंस का बजट है, आप कह रहे हैं कि यू डोंट हैव less than $1 million टू गिफ्ट टू द US, और ये कह रहा है कि हमारे जहाज बैठ जाएंगे अगर हमने उनको मेंटेन नहीं करा। और साल भर पहले तुम $450 मिलियन इन्हीं जहाजों के लिए, इन्हीं F-16 के लिए अमेरिका से खा चुके हो। हद हो गई यार, हद ही हो गई। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब, $682,000 ये खूब की बात से नहीं, तुमने क्या कह रहा है? नहीं बचते भाई, नहीं कह रहा है, इतने लंबे एक लंबी हो चुकी है हम, नहीं अभी देर तक तुम्हारी बन रही है, अरे सारी दुनिया में देख लो जो कर रहे हैं, इधर आप 16 बेच रहे हैं किसी दूसरे कंट्री।
और क्या पता अंदर अंदर बेच भी दिया हो कोई, क्या पता तो मेंटेनेंस के लिए। अच्छा ये बेचर साहब हमें मरवाना चाहती है भाई। लाओ जी हमें क्यों मरवाना है, मैं बताता हूँ ना हो गए हम 16 काम मीडिया में नहीं लेंगे इनको सारा पता मेजर साहब को कब कर्ज आता है, किस तरह मिलता है, किस से कहा किस्तें मिलती है, किसको मिलती है, किधर जाते हैं वो तो उन्होंने बताया ना। तो हमारी जबान से निकलवा के हमारे बोर्ड के ऊपर ना पीछे पीछे ऐसे लगेंगे। वो तो 37,000 जेल में था ना वो भुगत के निकल आया है, अब हमारी बारी अगर हम बोलेंगे वैसे भी तारिक साहब को मिलती है। हमें कौन सी जरूरत है बोलने की, नाम ले ले हम नाम ले ले हमारे तो पास तो ऑप्शन ही आसान सा है नहीं। इसमें राग साजिश है बहुत ही खत्म, बात ही खत्म भाई। वो कहते हैं आवाम पूछती क्यों नहीं, उनसे भी जो पैसा आया किधर गया। अच्छा मेरी बात सुन लो, आवाम पूछती है 101 मिलियन डॉलर जो वो भी मिला, वो भी मिलने हैं अभी मिले मिलने हैं हो गए मिल जाएंगे तो उधर से लगा देंगे। पाकिस्तान में तो वो आ ही नहीं, बाकी जो हमने 600 बस वो कमांडो 600 कमांडो भेज रखा है कश्मीर में, वो कुछ उनके ऊपर खर्चा करेंगे। कल मैं एक वीडियो देख रहा था शायद आप लोगों ने भी देखी होगी। नहीं सही बात है, अमेरिका की अमेरिका की हेलो साबका वजीर खारजा शाह मून कुरैशी के दौर में जब वो पीपल पार्टी में थे, हैरी क्लिंटन आपको नाम तो याद है ना जिंदा है, उसने कहा लिखा था कुछ भी कि अगर 1947 जितने भी मेजर आर्मी चीफ हो गुजरे ना उन्होंने पैसा अमेरिका जो कट रहे ना तो दिवालिया हो जाए बंदा बैंक का जितने अमेरिका के बैंक इन्होंने कारोबार इन्होंने बिजनेस इन्होंने पैसा इन्होंने बच्चे दमाइया हर चीज उठे फिर कहते रहे साढ़े पल्ले ही कुछ नहीं भाई। जब पैसे बहन का बहर ही चला जाएगा हमें तो मिलता है ठेंगा हमारे नाम पे तो मांगा जाता है कर्जा हमें पता क्या होता है यार अमेरिका देगा इसको आ गया 50,000 बिल देख लो टैक्स ऊपर कितना मरियम के टायर के टैक्स शबाज शरीफ की बीमारी के टैक्स ख्वाजा आजम की बीमारी के टैक्स आगे साथ रफीक के गाड़ियों के उनके कारोबार के तो भाई साहब पहले वो किधर के वो पैसा हमसे ले रहे हैं किसी जज का भी नाम ले जिसका बिल आ रहा है बिजली का वो जो है अभी अभी रिटायर हो गए थे चीफ जस्टिस साहब आता बनिया था उनके हर महीने का जो पैसा वो भी हमने देना है गाड़ियों का टैक्स और जो उनके कार के टैक्स भाई जो F-16 में तेल जलता है उसका फ्यूल टैक्स एडजस्टमेंट नहीं होता हां वो हमने देना है कोई मसला ही नहीं है जो तेल ईरान के रास्ते आ रहा है 27,000 पंप के ऊपर वो तेल आता है ईरान से जो आ रहा है 27,000 पंप के ऊपर वो तेल आता है वो किस तरह से आ रहा है पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं आता ज्यादा मतलब इतना उसके ऊपर जो लगता है ना टैक्स अगर वो मतलब टैक्स चोरी वो चोरी ना तो इतना पैसा मिलता है सरकार के खाते में जाना होता है वो ये जो $280 का जो होती है टैक्स की जो सरकार के खाते में आना था वो जो बिजनेसमैन या जो स्मगलर ये सोचो ईरान के साथ तजारत करे ईरान को वो गैस का वादा मुकम्मल कर ले अंतरदारी के दौर वाला तो हमें अमेरिका का डर है जब हमें पता है ईरान से तेल हमारे वो इदारे वाले लेके बेच रहे महंगे क्या अमेरिका को नहीं पता इस बात का चोरी का क्या अमेरिका उसको रोकथाम नहीं लगा सकता इसकी वजह से पाकिस्तान में पाबंदियां नहीं लग सकती इस बात का पाकिस्तान को कोई डर नहीं सुपर पावर अमेरिका को लूट रहे हैं जो चाइना को लूट रहे हैं जो यूरोप को लूट रहे हैं जो और कंट्री को उसके सामने ये टुच्चा सा जो है ईरान क्या औकात रखता है तो फिर मेरी बात मान ले बड़े बड़े कंट्री को लूट तो फिर मेरे तुझे क्या खाता क्या है पता है फिर मैंने तुझे क्या खाता कि हमारी ये झोली है अमेरिका और चाइना के लिए हमारा ठेंगा ले लो हमने नहीं मैंने कहा कि हम खा गए डिकार मारी मारा
जब मेजर कहते हैं कि गाल के नहीं मारा, कितनी बकवास, हम नहीं देंगे, हम खा गए अभी, हमका मतलब हमारे बड़े पिछले वो एक साल दो डेढ़ साल हो गए जिस तरह सर ने दिखाया 450 मिलियन जो है वो सब तो वड्डा घटिया और बेगैरत है ही IMF जो हमें बार बार लड़ाई दे के पैसा देता फिर कहता है वो पैसा गया किधर, वो बेगैरत तो तुझे नहीं पता वो पैसा किसने लिया किधर गया, किस हुकूमत में कौन ले गया, वो तो हमारे ऊपर सूली बन जाती है, वो हमारे ऊपर सूली बन जाती है, हमारी कभी भी बेरोजगारी गुर्बत तो खत्म ही नहीं हुई। तेल किसका खरीद के लाना है, अजीब बात है भाई, जो आप इंपोर्टेड गाड़ियां मंगाते हो, इंपोर्टेड मोबाइल आईफोन जो मंगाते, अच्छा किधर है तेरे इंपोर्टेड गाड़ियां, दिखा कहां खड़ी की हुई है, तो सड़कों के ऊपर पाकिस्तान में सारी इंपोर्टेड गाड़ियां कौन सी पाकिस्तान में, किनके पास है, किनके पास है, वो अरबपति के पास है, जनता के पास है, आम जनता के पास वो इंपोर्टेड गाड़ियां नहीं है यार, है भाई कौन सी 8 करोड़ की गाड़ी, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, कौन सी, हमारे पास जो 15 लाख की गाड़ी है वो हमारे जो पैरों में चप्पल होती है वो भी चाइना की है, वो भी इम्पोर्टेड है, डॉलर में खरीदते हो, इसमें भी कोई शक नहीं है, कोई चीज है जो बनाते हैं। आप ये देख लो मरियम नवाज का बेटा सब आया, मरियम नवाज का दिनेश अफजल आया, मैं वीडियो देख रहा था, कहता है पैदल उसके पास आगे पीछे अलीट की 4 गाड़ियां थी, एक बात तो सुन ले, दिनेश अफजल ना MPA ना चेयरमैन ना मैंने कुछ भी नहीं, वजीर आला का बेटा 4 गाड़ियां अलीट की आगे 4 पीछे, प्रोटोकॉल देख लो पूर्ण निछावर हो रहे हैं, जितने उन्होंने कांड किया साफ बना लो, तो अपने बढ़ा के रखे, वो कुछ भी नहीं है, जिसमें मरियम का बेटा और कुछ जिस दिन मरियम साहबा को पता चला ना कि यकूब मेरे बारे में ऐसी बकवास करता, अच्छा एक और चीज है भाई, तो तेरे दांत तोड़ेंगे वो, जो ना बात ये है कि साफ जा रहा है कि भाई जब USSR जो है वो पीछे लगा हुआ था अफगानिस्तान के, और अफगानिस्तान से उसको निकालने के लिए पाकिस्तान को जनाब $1 बिलियन दिया अमेरिका ने, तो 1980 के दहाई में उस वक्त इंडिया से पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी चल रही थी क्योंकि डॉलर बैंक से मिल रहे थे यार, वो वक्त तो और मतलब वो आर्टिफिशियल एक किस्म के था, वो बाहर से वो दिख रहे थे, वो मतलब जो तगड़ा था पाकिस्तान, तो मेजर साहब का ये जो एनालिसिस है ना कि गलत है कि भाई अफगानिस्तान से अमेरिका निकल गया तो पाकिस्तान को पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन थोड़ी सी सख्त शरात पे मिलेगा, जरूर मिलेगा, ये 400 मिलियन तो पिछले साल ही देख लो मिला, 101 मिलियन तो अभी भी जाहिर हो चुके हैं, ये साल 6 महीने अमेरिका में हो सकता है, इंडिया को 2 महीने और निकल गए तो और भी पैकेज आ जाएगा इंडिया को, अमेरिका नहीं पाकिस्तान को, ये अमेरिका पाकिस्तान के बगैर कुछ भी नहीं है भाई, पाकिस्तान उसके बगैर है कुछ, मजबूरी अमेरिका पाकिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं, जी मजबूरियां है भाई साहब, वो थोड़ा नहीं दिखती उड़िया रहेगा, मजबूरियां चार खरीदियां नहीं, अलग बात है भाई साहब, पाकिस्तान क्या ये हालत जो है ना वो फ्री का खाने में है, वो जिसको फ्री की, मैं पहले भी एक वीडियो में हमारी बहस छिड़ चुकी है कि जिसको फ्री खाने की लत लग जाती है ना काम नहीं करता, तो पाकिस्तान को भाई साहब उन्हें हमारा काम क्या है भाई साहब, दूसरों की जंग में कूदना है और माल खाना है, तो भाई वही भाई आज भी हालत देख लो भाई, काम तो करते नहीं, लास्ट में मैं ये कहूंगा नाम लेके कहूंगा, मेरे मुल्क का जो आर्मी चीफ है, जितने आर्मी चीफ हो गुजरे हैं लिख लो मेरी बात, दावा कर रहा हूँ सबसे ज्यादा पैसा इसके खजाने से निकलेगा, जब यहाँ रिटायर होने वाला है 2000 जब 10वें महीने में रिटायर होगा ना, सबसे ज्यादा पैसा, जैसे भाजपा की डिटेल आई है ना, अमेरिका पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ेगा भाई, छोड़ना भी नहीं चाहिए ना, इस खत्ते में बदमाश इस तरह ना अरब के कंट्रियों में बेला बदमाश, इसराइल बदमाश है, तो यहाँ पे भाई साहब ये है पाकिस्तान बदमाश, मतलब
ऐसे वाला बदमाश कि चार पैसे लेने हैं, अपने कंट्री का भी बेड़ा गरक करना है, साथ वालों का भी करना है। तो ठीक है, बेबनी रात रुकता ही का कमर था, जिनमें मिलते नहीं साथ, अब तक इजाजत दी।